तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आप लोगों को रीडिंग देने वाली हूँ कि जो है एक्स्ट और नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उसकी सिचुएशन में, और हम ये चेक करेंगे कि आपको अभी मूव ऑन हो जाना चाहिए या फिर आपको स्टिल इस रिलेशनशिप में वेट करनी चाहिए। बट फ्रेंड्स, इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मोस्ट वेलकम। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन इनबॉक्स में है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, या मुझे मेरी FB पर दीपिका मेडिटेशन के मैसेंजर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इमेजेस भी डाल दी थी और यहाँ पर ये एक कलर भी है, रेड कलर है ये, और ये पिंक कलर है। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या आपको जो भी कार्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए आंखें बंद करके, और उसके बाद ओपन करके देखिए कि आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। और मैं यहाँ पर सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ जो मेरे चैनल में न्यू आए हैं। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, और हमारी इस फैमिली से आप भी जुड़ जाइए, ताकि आगे भी हम इसी तरह की पॉजिटिविटी जो है एक दूसरे को देते रहें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरी पायल फर्स्ट से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है लूँगी ये खूबसूरत सा रेड कलर का, जो हमारी रेड कलर की पायल थी ये दिस वन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले बहुत खूबसूरत कार्ड आया है द लवर का, और मैं यहाँ पर सभी कार्ड लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से कार्ड दिख जाए। और एक ये कार्ड और आया था फोर ऑफ सोर्स का, तो इस कार्ड को हम ज़रा बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, एट ऑफ कप्स जो है वो मुझे ये शो कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप या आपका पार्टनर जो है वो सडनली चले गए हैं, उन्होंने सिचुएशन से मुंह मोड़ लिया और वो चले गए, या फिर आप जो हैं आप इस सिचुएशन को आपने सडनली ब्रेक कर दिया और आपने हर चीज़ से मूव ऑन करके। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कप्स रखे हुए हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये देख नहीं रहा है और ये उधर की साइड को मूव करके, दूसरे साइड को मूव करके चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको पास्ट में जो है सडनली जो है वो मूव ऑन हो गए थे आपसे। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, हो सकता है कि उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ हो वो सही नहीं चल रही हो, तो इसीलिए मे बी उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर जो है लेकिन यहाँ पर जो है वो टू, ये द लवर्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड जो होता है वो जेमिनाई के लिए भी है। यहाँ पर अगर किसी का साइन, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अगर जोडिएक साइन उनका जेमिनाई है, तो ये उनके लिए भी है पाइल, क्योंकि जो लवर कार्ड होता है वो जेमिनाइज के लिए होता है। और ये बहुत ही सोलमेट वाला कनेक्शन है आपका। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, या किसी भी तरह की कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का भी कार्ड होता है, तो हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट हैं एक दूसरे के। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, जो डिवाइन है इन दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे कार्ड जो आया है वो हर्मिट का आया है।
द हर्मिट हमें ये बताता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, उनका हीलिंग का वर्क चल रहा है। ये हीलिंग का कार्ड भी होता है, तो वो अभी जो है हीलिंग के टाइम पे हम इंसान जो होते हैं वो अपनी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि क्या हमारी लाइफ में जो पहले हुआ वो क्यों हुआ, क्या क्या सिचुएशंस थी, या ये रिलेशनशिप वाकई में ही इतना ज़्यादा बैड सिचुएशन में था, या इसे हम लोगों ने इतना ज़्यादा बैड सिचुएशन में क्रिएट किया, या ये किस तरह की सिचुएशन हमारे साथ हुई। तो ये जो आपके पर्सन हैं वो अभी एनालाइज कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, उनकी हीलिंग चल रही है, तो अभी वो अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर उसके बाद जो है मेरे पास दो हीलिंग के कार्ड इस पाइल में आए हैं, ये फोर ऑफ सोर्स जो है हमें वो भी यही बताता है कि आपके जो पर्सन है वो भी डेथ कर रहे हैं, वो हीलिंग कर रहे हैं अपनी। और ये हीलिंग जो होती है वो डिवाइन के द्वारा दी जाती है, तो अभी डिवाइन जो है उनको हील कर रहे हैं, उनकी पास्ट मेमोरी जो भी कोई उनके पुराने घाव थे, जो पुराने वूंड्स थे, वो उनको क्लियर किया जा रहा है। और उसके बाद जो है आपके जो पर्सन है उनकी हीलिंग जब अच्छे से हो जाएगी तो वो आपके पास आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये ऑफ़र लेके आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी थोड़ी सी स्लो है, तो यू हैव टू कीप पेशेंट एंड आपको भी हीलिंग करनी चाहिए अपनी, ताकि जब भी वो आपके पास आए तो आप वो पुरानी चीज़ों को लेकर ना बैठे कि पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो आप जो हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही लेवल की एनर्जी में हो, ताकि आप सही से एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। वो आपके पास आ रहे हैं और बहुत ही स्लो, थोड़ी सी स्लो एनर्जी है, तो स्लो एनर्जी में इंसान जो होता है वो सोच समझ कर कदम लेता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक सोच समझ कर कदम लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी में कुछ नहीं करना चाहते। और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला जो रिलेशन है वो है, और बहुत ही ब्यूटीफुल सोलमेट वाला कनेक्शन है आपका। तो यहाँ पर जो है तो ये एनर्जी जो है ये स्लो एनर्जी है, तो इस पाइल में मैं ये कहूँगी कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको प्रेयर्स करनी है, आपको अपने आप को हील करना है, बिकॉज इट्स अ सोलमेट कनेक्शन और ये डिवाइन कनेक्शन है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि ये कहीं और मूव ऑन कर जाएंगे, ये आपके पास भी आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ पर्सनल मैसेजेस जो है डिवाइन वो आपको क्या देना चाहते हैं। लेट्स चेक फ्रेंड, मैं ये कार्ड यहाँ से हटा लेती हूँ, तो लेट्स चेक कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं मेरे पास यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आया वो आया है गो विद द फ्लो, यानी कि आपको जो है चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। उसके बाद आपके पर्सन जब भी आएंगे आपको स्वीट बनना है, या फिर वो आपको जो है वो बहुत स्वीट समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं। और देखिए हीलिंग का यहाँ पर भी आ गया, तो उनकी हीलिंग चल रही है अभी, तो यू हैव टू कीप पेशेंस और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। वो आपको बोल रहे हैं आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ओवर थिंकिंग जो है वो छोड़ दीजिए। और ये देखिए वॉन्ट टू टॉक टू यू, वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कार्ड में कि कार्ड था कि उनकी स्लो एनर्जी है, पर वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा केयरिंग बन जाइए, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल पाथ है, जैसे कि कार्ड मैंने आपको दिखाया था वो द लवर्स का कार्ड जो था, तो वो द लवर्स का कार्ड जो होता है ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, इट्स नॉट अ सिंपल गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड वाला कनेक्शन। तो टेल यू द ट्रुथ, अगर उन्होंने कुछ आपसे छुपाया है, उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया है अभी, तो वो आपको जल्दी ही बता देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लीज टू मीट यू,
हो सकता है कि वो आपसे मिलने के लिए बोलेंगे जल्दी, जैसे कि वो कार्ड भी आया था स्लो एनर्जी वाला, गो इन अ नेचर। बट अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि कोई भी किसी से कम्युनिकेट नहीं कर, मतलब किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए आप गो इन अ नेचर जो है वो अभी आप नहीं जा सकते हैं, आप अब थोड़ा सा टहलिए, अपनी हॉबीज़ को इन्जॉय कीजिए, घर के अंदर ही टहलिए, घर के अंदर ही सैर कीजिए थोड़ा, और अपने माइंड को थोड़ा चेंज कीजिए, पॉजिटिव बनाइए अपने आप को, और आपके जो पर्सन है वो जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पाइल नंबर 1। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी जो दूसरी पाइल है उसमें क्या आया है। ये जो पिंक कलर की जिन लोगों ने चूज़ किया था, और तो फूल का कार्ड इसमें सबसे पहले आया था, तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या आया है। ओके, टू ऑफ सोर्स, द हैंगमैन, एट ऑफ पेंटिकल्स, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ, देन टू ऑफ वॉन्स, और उसके बाद ये हमारे पास था द फूल। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है वो हमें ये वाला जो कार्ड है हमारा टू ऑफ सोर्स का, तो टू ऑफ सोर्स का ये मतलब है कि आपने अपनी तरफ से ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट की हुई है। तो आपके जो पर्सन है वो आपको कह रहे हैं कि सबसे पहले आप अपनी जो नेगेटिविटी है, जो आप भी नेगेटिव सोचे जा रहे हैं, जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मैं जाऊँ ना जाऊँ, या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस सिचुएशन से आपको बाहर आना है। सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को जो है वो पॉजिटिविटी में आपको चेंज करना है, ठीक है। दूसरा आपके आपके जो, अगर मैं दूसरा ऑप्शन से देखूं तो आपके जो पर्सन है वो अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है, तो इसीलिए वो शायद अभी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी दूसरा कार्ड जो हमारे पास आया है वो द हैंग्ड मैन का है। द हैंग्ड मैन ये बताता है कि ये भी एक एनालाइज करने का कार्ड होता है। एक तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन से देखूँ तो ये कार्ड जो होता है ये एनालाइज करने का, वो अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहले हुआ और किस तरह से हुआ क्या सही नहीं हुआ, तो वो अपने आप को अभी एनालाइज कर रहे हैं। तो जो अभी उनका वक्त जो है वो एक खुद को एनालाइज करने का है, वो सोच रहे हैं कि किस तरह की स्थितियाँ बनी थी या हमें आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टू ऑफ वॉन्स का कार्ड आया। तो वो यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं तो ये कार्ड जो होता है वो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो फॉरेन में हो, क्योंकि ये फॉरेन का भी कार्ड माना जाता है, ट्रेवल का कार्ड भी माना जाता है हमारे में। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो फॉरेन में हो और वो सोच रहे हो कि वो किस तरह से आए, अभी कोरोना वायरस की वजह से सब जो जहाँ पर अटका है वो वहीं पर ही अटका हुआ है, तो वो शायद आपसे मिलने इसलिए भी नहीं आ पा रहे हो मे बी, तो ये भी हो सकता है। और वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, वो सोचते हैं कि आप उनकी दुनिया है, और वो आपको जो है अभी वो सोच रहे हैं कि मुझे आगे जो है वो स्टेप कैसे लेना है, आगे किस तरह से इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। बिकॉज़ यहाँ पर देखिए, और हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा मेटरलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ पैंटिकल्स मुझे ये शो कर रहा है कि वो अपने पैंटिकल्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये देखिए, अपने वर्क पे अभी उनका पूरा फोकस है, हो सकता है कि उनको कुछ थोड़ा मनी इशू हो, तो वो अभी पैंटिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं दूसरे ऑप्शन से देखूँ तो वो आपके, अगर हम इसको रिलेशनशिप के उसे देखें तो वो आपके रिलेशनशिप को और अधिक मजबूत बनाने के लिए वो मेहनत करने में लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास तो फूल का कार्ड आया, तो फूल होता है न्यू बिगनिंग, एक रिस्क लेना, ज़ीरो से स्टार्ट करना, पीछे जो भी बातें हुई हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना। तो हो सकता है कि आपके हो नहीं सकता है, मतलब फूल का कार्ड यही होता है कि न्यू बिगनिंग, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और लेकिन वो अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को,
और अपने पैंटिकल्स में उनका ध्यान है, थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है, तो जल्दी ही ये स्थिति चेंज हो जाएगी। तो ये जो सेकेंड पाइल है इसमें भी मैं यही कहूँगी कि आप जो हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो फूल का मतलब न्यू बिगनिंग होता है। तो आइए हम चेक करते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस दिए हैं। प्लीज़ गॉड हेल्प मी फॉर सेकेंड पाइल। बहुत सारे कार्ड जंप आउट कर रहे हैं आपके लिए। ये देखिए, वो आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग यू। ये बॉटम ऑफ द डेक आया था। अब देखते हैं न्यू बिगनिंग, वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जैसे कि फूल का कार्ड आया था, द फूल। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, कन्फर्मेशन, न्यू बिगनिंग। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, और सैड, अगर आप सैड हो रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप अपनी सैडनेस को रिमूव कर दें, क्योंकि ओवर थिंकिंग, वही सेम फर्स्ट वाली पाइल्स में भी यही आया था कि आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मोर फोकस इन फ्रेंडशिप, अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो उनका जो फोकस है वो फ्रेंडशिप पर रहेगा, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। द फूल का मतलब द ज़ीरो से स्टार्ट होना, न्यू बिगनिंग होना। तो नेचुरल बात है कि आपको एक फ्रेंडशिप के बेस पे अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। लविंग, वो आपको कह रहे हैं आप थोड़ा सा लविंग बन जाइए, ठीक है। गोइना नेचर यहाँ पे भी आ गया, लेकिन अभी कोरोना के वायरस की वजह से कोई बाहर नहीं जा सकता है। फील हैप्पी, तो आपने होम में रहिए और प्रेयर कीजिए, और आप भी अपने आप को थोड़ा हील कीजिए, ताकि आप जब भी मिलें तो सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से ग्रो करें। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग, फर्स्ट पाइल हो या सेकंड पाइल हो, आप लोग जो है अपने पर्सन से मिलें और सभी जो हैं हंसी खुशी रहें, और सभी जो है हैप्पी रहें और सेफ रहें। तो यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है, प्रार्थना है ईश्वर से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।